हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन आया, मैं उसी के बेसिस पे आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है वो कैसा आया हुआ था। रिसेंटली मेरे पास कैंडिडेट ने मेरे को बताया हुआ है कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर था वो काफ़ी हमें ऐसे जो सिलेबस के वाइज हमें एग्ज़ाम पेपर देखने को मिला था। एस कंपेयर करें, हम सिलेबस जैसा सिलेबस दिया था वैसे ही क्वेश्चन उन लोगों ने डाले हुए थे, सारे ही कैपेबल क्वेश्चंस यहाँ पे थे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था ओबियसली उनके लिए एग्ज़ाम टफ ही था, बाकी जिन बच्चों ने पढ़ के रखा था उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी अच्छे से बन पा रहा था। ठीक है, सभी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे, एक्सपेक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे इस बार भी पूछे गए हैं। अब जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा वो भी देखते हैं कैसा आता है, उसी के बेसिस पे आप सभी लोगों का कट ऑफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम हुआ था, जनरल नॉलेज भी बहुत बेसिक जनरल नॉलेज पूछा गया हुआ था और सारे ही सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिले थे। चाहे हम बात करें पीडियाट्रिक नर्सिंग का, चाहे बात करें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ज़्यादा पोर्शन आप सभी लोगों को देखने को मिला था, क्योंकि आपको भी पता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही ज़्यादा वेटेज आपको कम्युनिटी सीएचओ के एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी बच्चों को पता है। ठीक है, एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था, सभी बच्चों से बन पा रहा था और जितने भी बच्चों ने बताया कि थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ये एग्ज़ाम टफ था। ठीक है, जितने बच्चों ने मेरे को अभी तक बताया है वो बच्चे बता रहे हैं कि सर जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सरल देखने को मिला था और जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो थोड़ा कठिन देखने को मिला था। ठीक है, बट ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि कौन से, यदि जिन बच्चों ने बताया है वो बच्चे पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए एग्ज़ाम थोड़ा ईजी होगा और जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा होगा हो सकता है उसके लिए एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का रिव्यू सबसे पहले आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बताना है। तो आई थिंक जिन बच्चों का एग्ज़ाम 30 तारीख को होने वाला है उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहने वाली है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर में ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पेपर में आपको सेक्शन देखने को मिलते हैं और इसी बेसिस पर आप अपना स्टडी बनाए रखिएगा। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को और अभी जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसका रिव्यू भी मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आप चीज़ों को लिए चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आएगा सीएचओ का हम आपके साथ कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम रिव्यू था सेकंड शिफ्ट का, जो एग्ज़ाम हुआ है एमपी सीएचओ का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर हमको देखने को मिला हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं लेना। यदि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उनको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम आपके लिए लाइफ डिसाइड कर देगा, तो अपने आपको कीप एंड काम बनाए रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। एग्ज़ाम का रिव्यू देने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे आ जाइए, वहाँ पे मैंने ऑप्शन पुट कर दिए कि आपने आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, तो बहुत सारे बच्चे बताएंगे तो एक्यूरेट कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। थैंक यू सो मच गाइस।